गार्डन्स ये पोयम है, द गार्डन या थॉट इन द गार्डन, ये दोनों पोयम एक ही है, चाहे आप द गार्डन बोलिए या थॉट इन द गार्डन बोलिए। अ पोयम रिटन बाय एंड्रयू मार्बेल, देखिए गार्डन पोयम को, द गार्डन पोयम को एंड्रयू मार्बेल ने लिखा। एंड्रयू मार्बेल एक मेटाफिजिकल पोएट है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल पोएम्स, और ये द गार्डन ये मेटाफिजिकल पोएम्स में से एक इम्पॉर्टेंट फेमस पोएम है। द पोएम इज रोमांटिक बिकॉज इट इज अबाउट नेचर, देखिए द गार्डन पोएम जो है रोमांटिक है क्योंकि ये नेचर के बारे में है। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स पर्सनल एंड इमोशनल फीलिंग्स अबाउट लाइफ इन नेचर एंड सोसाइटी, देखिए नेचर और सोसाइटी में जीवन के बारे में जो पोएट का पर्सनल और इमोशनल फीलिंग्स है उसी का ये एक्सप्रेशन है। इट इज अ क्लासिकल पोएम इन इट्स फॉर्म, और ये अपने फॉर्म में है ना, द गार्डन पोएम जो है अपने रूप में एक क्लासिकल पोएम है, बिकॉज द स्टेंजा रिदम एंड राइम एंड वर्ड चॉइसेस आर लाइक अ क्लासिकल पोएट्री, क्योंकि इसके जो रिदम है, जो स्टेंजा है, जो राइम है, वर्ड चॉइस है, ये सब क्लासिकल पोएट्री की ही तरह है, इसलिए ये एक क्लासिकल पोएम भी है। द पोएट क्लेम्स डेट नेचर इज द ओनली ट्रू प्लेस फॉर कंप्लीट लग्जरी, देखिए पोएट कहता है कि नेचर ही एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर कंप्लीट लग्जरी मिल सकता है। द पोएट एंड्रयू मार्बेल, पोएट एंड्रयू मार्बेल बिगिंस दिस पोएम, इस पोएम की शुरुआत भी करते हैं द गार्डन पोएम की शुरुआत करते हैं बाय कंपेयरिंग नेचर विद सोसाइटी एंड सोशल, और जहाँ पर वो नेचर को सोसाइटी और नेचर सोसाइटी और सोशल के साथ नेचर को कंपेयर करते हैं, और इसी के साथ पोएम की शुरुआत भी करते हैं, है ना, जैसे सोसाइटी और सोशल लाइफ के साथ नेचर को कंपेयर करते हैं और इसी के साथ पोएम की शुरुआत करते हैं। एंड्रयू मार्बेल वाज एन इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट, एंड्रयू मार्बेल इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट थे, सैटायरिस्ट थे और पॉलिटिशियन थे। ही वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ जॉन मिल्टन, और एंड्रयू मार्बेल जो है जॉन मिल्टन के क्लोज फ्रेंड भी थे। फेमस पोएम्स ऑफ एंड्रयू मार्बेल आर, एंड्रयू मार्बेल की फेमस पोएम कौन सी है, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, होरेसन ओड, द डिफिनेशन ऑफ द लव, द गार्डन, थॉट इन द गार्डन भी बोलते हैं, द मोर अगेंस्ट गार्डन्स, ये सब किसकी पोएम है बताइए, एंड्रयू मार्बेल की पोएम है। इसके बाद में द पोएम गार्डन हैज डिवाइडेड इंटू, पोएम द गार्डन पोएम को 9 स्टेंजा में डिवाइड किया गया है, एक स्टेंजा में 8 लाइन होती है। पोएम हैज टोटल 72 लाइन, इसका मतलब पोएम में 72 लाइंस, 72 लाइन की ये पोएम है। राइमिंग स्कीम एक एक स्टेंजा का, एक एक ऑक्टेव का जो राइमिंग स्कीम है वो क्या, ए ए बी बी सी सी डी डी, है ना, और जो पोएम की सेटिंग जो है, पोएम इज सेट इन अ गार्डन, पोएम को एक गार्डन में सेट किया गया है। इट मे बी रिफर्ड टू एज द गार्डन ऑफ ईडन, और इसको गार्डन ऑफ ईडन के रूप में रिफर किया जा सकता है, क्योंकि देर आर मैनी मैनी बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंसेज थ्रू आउट द पोएम, क्योंकि इस पोएम गार्डन ऑफ ईडन से डिफरेंट टाइप के बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंसेज को उठाया गया है इस पोएम में। इस पोएम की थीम क्या है, तो नेचर, ब्यूटी, पोएटिक इमेजिनेशन, स्पिरिचुअलिटी। एंड्रयू मार्बेल सीम्स टू बी अ प्रीस्ट ऑफ नेचर, एंड्रयू मार्बेल जो है एक प्रीस्ट ऑफ नेचर के रूप में दिखाई देते हैं। इन द पोएम एर्थ एंड नाइन्थ स्टेंजा द स्पीकर कंपेयर्स हिमसेल्फ, पोएम में स्पीकर अपने आप की कंपेयर करते हैं विद लोनली एडम इन द गार्डन ऑफ एडन, यानी गार्डन ऑफ एडन में जो एडम अकेला था उससे स्पीकर जो अपने आप को कंपेयर करते हैं। ही आल्सो आर्ग्यूज डेट बींग लोनली वॉज अ सेकेंड पैराडाइज, और वो ये कहते हैं कि एडम के लिए जब एडम गार्डन ऑफ ईडन में अकेला रह रहा था तब जो है वो उसके लिए वो दूसरा पैराडाइज था, क्योंकि वो नेचर के साथ वो एक तरह से अफेक्शन के साथ, लव एंड अफेक्शन के साथ रहता था, और पहला पैराडाइज द वन द पैराडाइज विच वॉज द गार्डन ऑफ ईडन, और पहला पैराडाइज तो गार्डन ऑफ ईडन था ही, है ना। आगे देखिए मेन थीम ऑफ द पोएम, पोएम द गार्डन का मेन थीम क्या है, पीसफुल लाइफ इन नेचर इज मोर सेटिस्फाइंग देन सोशल लाइफ एंड ह्यूमन कंपनी, ये कह रहे हैं सोशल लाइफ और ह्यूमन कंपनी के कंपैरिजन में जो है पीसफुल लाइफ
नेचर में पीसफुल लाइफ ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है ना, यानी कि लाइफ में ज्यादा सेटिस्फैक्शन, ज्यादा पीसफुल लाइफ वहां ज्यादा सेटिस्फाई होता है, नेचर में होता है, ना कि सोशल लाइफ या जो ह्यूमन कंपनी के बीच में, ह्यूमन कंपनी के साथ में। क्लियर है? तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। ये पोएम है आपका द गार्डन, या थॉट इन द गार्डन भी बोल सकते हैं। अब शॉर्ट में इसको एक बार सुनते चलिए। द गार्डन बाई एंड्रू मार्वेल इज अ मेटाफिजिकल पोएम डेट एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ नेचर, टाइम एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस। द पोएम इज स्ट्रक्चर्ड एज अ मेडिटेशन ऑन द स्पीकर्स गार्डन, विच सर्व्स एज अ मेटाफर फॉर द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ एंड पैसेज ऑफ टाइम। वन ऑफ द की स्ट्रेंथ्स ऑफ द पोएम इज मार्वेल्स यूज अ विविड इमेजरी टू इवोक अ सेंस ऑफ ब्यूटी एंड ट्रांसक्विलिटी। द स्पीकर डिस्क्राइब्स द गार्डन एज अ प्लेस ऑफ पीस एंड हार्मनी फील्ड विद लश वेजिटेशन, कलरफुल फ्लावर्स एंड मेलोडियस बर्ड सॉन्ग। दिस इमेजरी क्रिएट्स अ विविड सेंसरी एक्सपीरियंस फॉर द रीडर, ड्रॉइंग देम इन टू द स्पीकर्स कंटेम्पलेशन ऑफ द नेचर्स वंडर्स। फर्दर मोर द गार्डन कैन बी अप्रिसिएटेड फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड द नेचुरल वर्ल्ड। द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन द वेज इन विच द गार्डन रिफ्लेक्ट्स द साइक्लिकल नेचर ऑफ लाइफ विद इट्स चेंजिंग सीजन्स एंड इनएविटेबल डिके। द गार्डन बिकम्स अ सिंबल ऑफ बोथ फ्लीटिंग ब्यूटी ऑफ यूथ एंड इंड्योरिंग लेगेसी ऑफ मेमोरी एंड आर्ट। मोर ओवर मार्वेल्स यूज ऑफ पोएटिक डिवाइसेस सच एज पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन एंड मेटाफर एड्स डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी टू द पोएम। द स्पीकर पर्सोनिफाइज नेचर एज अ लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी डेट इज बोथ नर्चरिंग एंड डिस्ट्रक्टिव, हाईलाइटिंग द क्वालिटीज इनहेरेंट इन द नेचुरल वर्ल्ड। द यूज ऑफ एलिट्रेशन एंड मेटाफर इनहांसेज द म्यूजिकैलिटी एंड रिचनेस ऑफ द लैंग्वेज, क्रिएटिंग अ लिरिकल एंड इवोकेटिव इफेक्ट। कंक्लूजन की बात किया जाए, द गार्डन बाय एंड्रू मार्वेल इज अ थॉट प्रोवोकिंग एंड कंटेम्पलेटिव पोएम डेट इनवाइट्स रीडर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द ब्यूटी एंड ट्रांसियंस ऑफ लाइफ थ्रू इट्स विविड इमेजरी, थीमेटिक डेप्थ एंड पोएटिक क्राफ्ट्समैनशिप। द पोएम ऑफर्स अ पॉइग्नेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नेचर एज वेल एज द इंड्यूरिंग पावर ऑफ आर्ट एंड मेमोरी।